डिप्टी क्रेशर प्लांट के विरोध में ग्रामीणों ने मनावर में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने एसडीएम मुरला सिंह सोलंकी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी दिया। मनावर विधानसभा के ग्राम पंचायत बैठलावद में सरपंच पति शोभाराम और सचिव की ओर से फर्जी रूप से बिना ग्राम सभा लिए ठहरा प्रस्ताव पारित किया, जिसका पता लगने पर ग्रामीणों ने यह प्रदर्शन किया। ये फर्जी ग्राम सभा बैठा के ठहराव प्रस्ताव पारित कर गया और उसने मतलब जो भी आगे कार्रवाई करके भेज दिया, लेकिन गांव वाले को किसी पता नहीं और ना तो पंच ना को किसी को पता है। आज हमने ज्ञापन दिया ग्राम पेटलावत में अवैध तरीके से ईटी फैक्ट्री लगाई जा रही है, उसको रोकने के लिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि यदि इस फैक्ट्री को नहीं रोकी गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और फैक्ट्री लगाने वाले राकेश जायसवाल के द्वारा हमारे ग्रामीणों को डराया धमकाया जा रहा है और मारने की धमकी दी जा रही है। कहाँ के राकेश? ये ग्राम भानपुरा के रहने वाले हैं और चूँकि हमारा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है, अनुसूचित क्षेत्र है और वहाँ पर फर्जी ग्राम सभा पारित के द्वारा प्रस्ताव पारित करवाकर फर्जी तरीके से जमीन आवंटित करवा ली गई है, जिसका हम ग्रामीण जन पूर्ण विरोध करते हैं।